जय श्री राम, हर हर महादेव, जय कामाख्या मैया की जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का, माता रानी आप सभी लोगों के परिवार के अंग संग रहते हुए कल्याण करें, हर 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 महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं, सच्चे हैं? मुस्कुराइए, मुस्कुरा दिए। चलिए मैं बताता हूँ आज क्या आप तैयार हैं, कैसी विद्या जानने के लिए। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसी विद्या बताऊंगा जिसे सिद्ध कर लेने के पश्चात आपके सभी कार्य सफल पूर्वक होते हैं। आपने तंत्र मंत्र, कामाख्या तंत्र में, साबर मंत्र में, नवनाथी में, छोटी धनात्री बड़ी धनात्री में, अक्सर आप लोगों ने साबर मंत्र में दुहाई के समय दुहाई बिरिया बंगाली की छू, दुहाई लोना चवारी की छू, दुहाई कामरू कामाख्या नैना जोगनी की छू, दुहाई स्माइल जोगी की छू। आखिर ये लोग हैं कौन जिनका मंत्र के लास्ट में नाम लिया जाता है? ये स्वयं सिद्ध, बहुत बड़े सिद्ध माता की योगनिया है कह लीजिए, भैरवी है, शादिका है, जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, और स्वयं महामाई कामाख्या माई और बड़े बड़े जो तंत्र मंत्र के सम्राट उस युग में बनते थे वो इनके सामने मतलब नतमस्तक होते थे, क्योंकि महामाई इनको खुद सारी चीजें बताती थी, स्वयं सिद्ध के साथ बैठ के बताती थी। इनका एक एक शब्द बोला हुआ वो सत्य होता था। पूरो मंत्र ईश्वरोवाचा, चलो मंत्र ईश्वरोवाचा, जैसे मंत्र था कामरू देश को अच्छा देवी जहां से स्माइल जोगे कि लगे फुलवारी जी के फूल चुने नूरा चमारी जोले स्कूल के पास उसके जान हमारे पास घर छोड़े घर आंगन छोड़े छोड़े मोह कुटुंब किला दुहाई लोना चमाई की दुहाई कामरू कमक कहना ना जोगे महावीर महाराज की क्यों। इसी तरीके बहुत मंत्र है, लेकिन आज हम बताएंगे ब्रिया बंगालिन। एक उच्च कोट की माँ की उपासक भी कह सकते हैं, माँ की लाडली भी थी। आपकी भाषा अलग हो सकती है कि आपके नामों से बुलाएं, लेकिन हम लोग इनको योगिनियों के नाम से ही ज्यादा संबोधित करते हैं। इनके अंदर अद्भुत क्षमता रहती, आज भी इनका जहाँ स्थान बना हुआ है, हम तो गुवाहाटी के जितने ये स्थान थे वो चाहे लोना चमारी को इस्माइल जोगी के हों, हशमनाई योगी भी इनको बोलते हैं, ब्रिया बंगालिन का ये सब मैंने घूमा, वहाँ पे साधनाएं की, इनको मतलब जागृत भी किया, ठीक है, कच्चा कलवा का भी वहाँ पे स्थान है, वो उग्र है थोड़ा। तो आज हम आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपको इस कलयुग में, देखिए आदमी फौरी तौर पे आराम चाहता है, वैदिक मंत्र थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन वो मजबूती के साथ होता है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं नहीं मुझे फौरन आराम चाहिए, तो इसके लिए ब्रिया बंगालिन साधना सबसे उपयुक्त है। अब आइए साधना के बारे में बताते हैं। ब्रिया बंगालिन की साधना आप किसी भी अमावस्या से चालू कर सकते हैं। ये साधना थोड़ी सी उग्र है, गुरु के सानिध्य में रह के करें। ये विषय हम वीडियो बता रहे हैं, साधना के बारे में बता रहे हैं, इसको वीडियो देख के मत करना, नहीं इसका परिणाम आपको अलग भी मिल सकता है। अभी कहिएगा कि गुरुजी जब आपको ये बताना नहीं तो आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए बना रहा हूं बेटा, ताकि आप समझो, इधर उधर भटको मत, मेरा उद्देश्य समझो। ब्रिया बंगालिन की साधना अमावस्या से चालू होती है, 21 दिन की होती है, 21 दिन पश्चात ये स्वयं
आपके सामने 50 से 55 वर्ष की आयु की एक मां स्वरूपी, बिखरे बाल, मुंह में पान, रक्त दंत, नथ बड़ी सी और माथे पे जो बिंदी होती है वो बड़ी सी रक्त लाल रंग की, सफ़ेद ब्लाउज, सफ़ेद कॉटन की धोती मोटी पट्टेदार जिसे बंगाली लोग पहनते हैं, हमारे बंगाली भाई लोग पहनते हैं, और हाथ में एक पात्र लिए हुए जिसमें से धुआं निकलता रहता है, अजीब सी खुशबू बिखेरने वाली माता, सदा भक्तों का कल्याण करने वाली माता इस रूप में प्रकट होती है। इनको सिद्ध कर लेने, सिद्ध मतलब होता है कि हम इनसे एक बेटे माँ का रिलेशन बना लेने पश्चात साधक की हर मनोकामना ये पूर्ण करती है। मनोकामना बोले तो ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा धीरूभाई अंबानी बना दें कि ये लेके आओ वो लेके आओ। बहुत से लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई ऐसी साधना बताओ कि मुझे धन ला के दे, ये सब चक्कर में ऐसे लोग मत पड़ो। कुछ लोग कहते हैं बता दो मैं मिस्टर इंडिया हो जाऊं, गायब हो जाऊं। कहां आप लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। पूजा पाठ जब तक ऐसा करो जिससे आप अपने साथ लोगों की भलाई कर सको और उनके पुण्य का भागीदार आप बनो, ठीक है, जिससे समाज का, देश का, लोग का, मनुष्य जात का, प्रकृति का, सबका भला हो, जीव जंतु का, वो कर्म करना चाहिए। तो 21 दिन आप पश्चात ये चीज प्रकट होती है, उसके बाद सबसे अच्छी बात है इनको आप घर में कहीं स्थान दे दें। जब भी कोई काम करना हो माता को आपको बुला तो सकते नहीं, निवेदन, क्योंकि हुक्म नहीं दे सकते, हम लोग तो बैठे हैं, तुच्छ प्राणी हैं, याचना होती है, जैसे एक बालक अपनी माँ से जिद करता है, उस तरीके से आपको वो मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र होता है। और साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे सोना, एक टाइम भोजन करना, पान प्रतिदिन रात को खाना, वो मीठा हो कैसा भी हो, साधना के लिए है। भोग में मीठे गुलगुले, गुड़ और आटे का सरसों के तेल में गुलगुले मीठे बनाए जाते हैं, वो रहेंगे। खीर थोड़ी सी, एक दीपक, फूल थोड़ा सा, कुश का आसन, रुद्राक्ष की माला या कमल के बीज की माला, कमल गट्टे की माला, प्रतिदिन 10 माला का जाप रहता है, ठीक है, दक्षिण मुख होता है, पंचोपचार पूजन के पश्चात, संकल्प के पश्चात ये साधना की जाती है। और ये साधना करने के बाद जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट रह ही नहीं जाता है, किसी प्रकार का कोई। हम आपको बता दें ये साधना मुझे विंध्याचल, नीलांचल पर्वत है वहाँ पे, मैं 92 में साधना के सिलसिले में वहाँ पे था, तो एक एमपी के थे नंद किशोर गिरी महाराज, उम्र लगभग 88 साल की थी, लेकिन उनके अंदर इतनी स्फूर्ति, चेहरे पे तेज, लगता ही नहीं था कि इनकी उम्र इतनी है। उन्होंने बिरिया बंगाली को एक उपासना सिद्धि साधना द्वारा अपना बना रखा था और माता उनके सभी कार्य करती थी। सबसे अच्छी बात है वो कभी चूल्हा जलाया नहीं आज तक, ना अपने कोई चीज़ को मार्केट से मंगाया, स्वतः ही उनके पास वो चीज़ें आती थी, मतलब घर की माता उनका पूरा ख्याल रखती थी और लोगों का वो बहुत कल्याण करते थे। भीड़ नहीं लगाते थे कि आओ हम तुम्हारा भूत जिन उतारें, रास्ते से जा रहे हैं कहीं पे हैं देख लिए कोई पीड़ित है, सिर्फ इशारा कर देते थे, सही, वो अपने को गुप्त हमेशा रखते थे। ध्यान रखिएगा जो वाकई में ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो जानकार व्यक्ति होगा, वो अपने को गुप्त रखेगा, बहुत ज़्यादा शो नहीं करेगा। बड़े बड़े तिलक लगाना, बाल रखना, अंगूठी पहनना, नौटंकी करना, ये सब टोटल ड्रामेबाज कर सकते हैं,
और कोई ज्ञानी पुरुष आपको भेष बना के नहीं आएगा। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। सिद्ध परम योगी नीम करौली बाबा को देख लीजिए, देवराहा बाबा को देख लीजिए, बहुत से ऐसे हमारे पीर फकीर बुजुर्ग हुए, वो एक सिर्फ तवल या एक तहमत तवल लुंगी पर ही बनियान पर अपने जीवन को बिता डाला। उनके अरबोपति खरबोपति लोग उनके शिष्य थे, लेकिन चाह नहीं थी उनके अंदर कि मुझे ये लालच या नौटंकी करना, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हो गया था, उनको सांसारिक माया मोह ये सब त्याग दिए थे, उनको वो परम तत्व को प्राप्त हो गए थे। तो जब व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर से सीधे संपर्क हो जाता है, तो ये सब तुच्छ चीज है, पैसा वैसा ये कागज की चीजें, हवाई जहाज ये लग्जरी लाइफ उनके लिए एक मिट्टी के बराबर होती है। वो जिस सुख में रहते हैं उसका सुख आप कभी अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। आपको जरूर लगता है वो लुंगी में है बनियाइन में है, लेकिन उस सुख की कल्पना आप कभी कर ही नहीं सकते। तो ये साधना मैंने बताया आपको एक कि इस प्रकार होती है। कोई व्यक्ति अगर करना चाहेगा, देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि आप लोगों को रुकाया जाए या यहाँ बैठा साधना कराया जाए, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो साधक हैं, मेरी भी बड़ी इच्छा रहती है कि 10-12 लोग मेरे पास आए, मैं उनको भोजन भी दूँ, रुके भी, फ्री में मैं सिखाऊँ भी, लेकिन ईश्वर कर ही नहीं रहा मेरे साथ ऐसा कि मैं लोगों का कुछ भला करूँ। और जो लोग सोचते नहीं हैं उनको भगवान सब कुछ दे रहा, ये कलयुग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा। फिर भी मैं आपकी मदद करूँगा, अगर जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश अयोध्या आ सकते हैं। अयोध्या में फैजाबाद शहर है, फैजाबाद शहर के पास नवीन मंडी है, नवीन मंडी से रायबरेली रोड पर पैगापुरा मोड़ आश्रम पड़ता है, वहीं पे गुरुजी आप किसी से पूछ लेंगे, आप सब लोग बता देंगे। लेकिन ऐसे आपको नहीं आना है, सबसे पहले आपको हमारे कॉल पे फोन करके अपना नाम लिखवा देना है, तभी आना है। साधना का हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं, बताने का कोई शुल्क नहीं है, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति को 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि अपना भी काम रहता है। जब वो पहले आएगा तो पहले हमको जब नाम लिखवाएगा तो अपना नाम पता एड्रेस ये दे देगा, उसी के साथ ही मैं ये करवाऊँगा। धन्यवाद। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें, मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। जय माता की।